हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो अभी मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ और लंच में बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता और बैंगन का चोखा और ज्वार की रोटी। तो ये रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये भरते के बैंगन ले लिए और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे ताकि इसके छिलके जो है वो अच्छे से निकल जाए। और फिर होल करके जो इसमें लहसुन की कलियाँ है वो इस तरह से भर देंगे, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे गलती से बैंगन का ऊपर का पार्ट कट कर दिया था, बट आप उसे मत कट करना। और फिर यहाँ पे हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो सभी साइड से बैंगन को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और ये हो गए हैं इस तरह से पूरे रोस्ट, तो मैं इनको अब निकाल लूँगी। और अब यहाँ पे मैंने एक टमाटर भी लिया है, तो टमाटर को भी वैसे ही रोस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन लिया है, उसको हम एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। और हरी मिर्ची दो तीन ली है, उसको भी कट कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, तो मैं चॉपर में इसको भी फाइनली चॉप कर लूँगी। तो हम दो रेसिपीज़ बनाने वाले हैं बैंगन से, एक तो बिहारी स्टाइल का चोखा और महाराष्ट्रियन स्टाइल में बैंगन का भरता। तो ये टमाटर भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब ये बैंगन थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो इनके जो छिलके हैं वो निकाल लेंगे। तो तेल लगाने से यही होता है कि ईजीली इसके छिलके निकल जाते हैं। और काफ़ी अच्छे से भुन गया है ये। और अब बैंगन को चेक कर लेंगे और नाइफ़ की हेल्प से मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। और टमाटर भी अच्छे से रोस्ट हो गए, तो इनके भी छिलके निकाल के इसको कट करके मैं अच्छे से मैश कर लूँगी नाइफ़ की हेल्प से। और अब यहाँ पे दो आलू को मैंने माइक्रोवेव कर लिया था, तो ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इनके भी छिलके मैं निकाल लूँगी। आप इनको बॉईल भी कर सकते हैं। और बस इनको भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये चोखे के लिए मैं यहाँ पे सब कुछ रेडी कर रही हूँ, तो आलू भी अच्छे से मैश कर लेंगे। और अब यहाँ पे एक बाउल में जो हमारे आलू टमाटर है उनको डाल देंगे, और इसमें से हाफ बैंगन में डाल रही हूँ, बाकी से हम भरता बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज डाल देंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे, थोड़ी सी यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची डाली है, नमक डाला है और खूब सारा इसमें हरा धनिया डाल देंगे। और अब इसमें जाएगा ये सरसों का तेल, इसी से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये आप स्किप मत करना। और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो बिहार में ये लिट्टी के साथ खाया जाता है। और ये जो आलू बैंगन का चोखा है वो रेडी है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करना और फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। और अब यहाँ पे भरते के लिए मैंने थोड़े से पीनट्स को रोस्ट कर लिया है। फिर एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, थोड़ा सा इसमें राई जीरा डाल देंगे, उसके बाद बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद इसमें बारीक कटी हरी मिर्च और जो हमारा प्याज बचा हुआ था वो डाल देंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को थोड़ा पकने देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टमाटर कट कर लिया था और वो डाला है और नमक डाल दिया है। अब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए तब तक भून लेंगे। उसके बाद इसमें लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे और फिर मिक्स कर लेंगे। और अब मैश्ड बैंगन डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने जो मूंगफली को भून के रखा था अब वो इसमें ऐड कर देंगे, तो उनके मैंने छिलके निकाल दिए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है भरते में। और फिर लास्ट में इसमें हरा धनिया डाल देंगे और बैंगन का भरता रेडी है। और अब ज्वार की रोटी बना लेते हैं। तो ज्वार की जो रोटी होती है वो हाई इन फाइबर होती है, ग्लूटेन फ्री होती है, बहुत ही हेल्दी रोटी है ये। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, तो ये वाली रोटी ज़रूर खाइए, ये आपके गट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गर्म पानी कर लेना है और फिर जो आटा मैंने यहाँ पर लिया है ज्वार का, थोड़ा सा मैंने लिया है एक रोटी बनाने के लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम गर्म पानी डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले आप थोड़ा चम्मच से मिक्स करना क्योंकि पानी गर्म होता है। फिर यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो गया तो मैंने हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर थोड़ा सा यहाँ नमक मैंने ऐड किया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ज्वार की रोटी आप जब भी बनाएं तो एकदम गर्म पानी में ही आपको जो आटा है वो गूँथना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ और फिर आटे को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये प्रोसेस से अगर आप रोटी बनाएंगे तो आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी और इस तरह का डो बन गया। अब इसको बहुत अच्छे से आपको मसलना है एक दो मिनट तक और यहाँ पे आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है ताकि जो डो है वो एकदम सॉफ्ट भी ना बने और एकदम हार्ड भी ना बने, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी रहे डो की। और इसको बहुत अच्छे से एक दो मिनट तक आपको मसलना है। जितना आप मसलेंगे उतनी ही आपकी जो रोटी है वो परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल
सॉफ्ट रोटी बनेगी। फिर इस तरह से हम इसका पूरा डो बना लेंगे। और अब यहाँ पे इसी थाली में हम जो ज्वार का आटा है वो थोड़ा छिड़क लेंगे, और उसके बाद जो आटा है वो मैं इस तरह से हाथ में लगा लूँगी। और अब जो ये डो बनाया है इसको इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे तो इजीली ये गोल गोल घूमेगा और आपकी रोटी आपको जितनी बड़ी बनानी है आप उतनी बना सकते हैं। और अगर आपका डो थोड़ा हार्ड रहेगा तो ये नहीं घूमेगी, और सॉफ्ट रहेगा तो रोटी टूट जाएगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और यहाँ पे तवे को अच्छे से हम गरम कर लेंगे और फिर मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। तो मैंने रोटी जो है वो डाल दी और ऊपर से हम इस तरह से इसमें पानी लगा लेंगे, इससे जो रोटी है वो काफ़ी सॉफ्ट और चिकनी बनती है। तो इस तरह से हम पानी लगा लेंगे और फिर नीचे से थोड़ी सिक जाए तो इसको पलट देंगे। और अब ये दूसरी साइड से भी पूरी अच्छे से सिक गई है तो इसको हम फ्लेम पे पूरा फुला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल फूल गई है और परफेक्ट रोटी बनी है। तो आप भी इस तरह से इस रोटी को ट्राई करना, जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उसे फॉलो करना। और बस अब इसमें हम घी लगा लेंगे, तो गरम गरम रोटियों पे यहाँ पे घी लगा लेंगे। और आप ज़रूर इसे ट्राई करना, आपको ये रोटी बहुत अच्छी लगेगी, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी तो ये बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लेयर बनी है। और ये जो लंच है वो रेडी है। तो यहाँ पे बैंगन का भरता और बिहारी स्टाइल बैंगन का चोखा, गरम गरम रोटी, तो मैंने सर्व कर दिया। और अब लंच वगैरह हो गया है तो मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। तो जैसे ही लंच हो जाता है फिर मैं जो किचन है वो क्लीन कर लेती हूँ। जब भी कुकिंग करती हूँ उसके तुरंत बाद ही इसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, तो इस पर कोई भी ग्रीस वगैरह नहीं जमता है और बिल्कुल न्यू दिखता है ये। तो मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि इतना यूज़ करने के बाद भी ये कितना न्यू दिख रहा है, क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो कभी भी आप कुकिंग करें तो उसके बाद जो आपका गेस्ट होता है उसे अच्छे से क्लीन करें। और बस यहाँ पर बहुत सारे बर्तन हो गए हैं तो मैं अब इनको क्लीन कर लूँगी। और ये व्यू है इवनिंग का। तो आज जो सनसेट है वो बहुत ही ब्राइट और प्रिटी सनसेट था और बहुत ही अच्छा व्यू था आज। तो मैंने कुछ मोमेंट्स यहाँ पे कैप्चर किए हैं और बहुत ही प्रिटी क्लाउड्स दिख रहे हैं आज। तो और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैं यहाँ पे अदरक वाली चाय बना रही हूँ, तो शाम के टाइम में चाय पीना मुझे अच्छा लगता है, तो बस यहाँ पे थोड़ी चाय बना लूँगी। और ये व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और जो मैंने रेसिपी शेयर करी है वो भी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।